ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मशरूम उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवानों के लिए कितना बढ़िया व्यवसाय बन सकता है और निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन कैसे किया जा सकता है। ये सारी जानकारी लेने के लिए आइए आज बातचीत करते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी, ज़िला हमीरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस जरियाल से, और साथ ही इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सविता जंडायक से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय एवं निचले क्षेत्रों में कैसे मशरूम उत्पादन किया जा सकता है, वर्ष भर इस उत्पादन से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कम से कम आपकी लागत हो, कम से कम खर्चे में क्या मशरूम उत्पादन संभव है, बातचीत करते हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर जरियाल, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। किसान बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं वो खुम्ब के उत्पादन से क्यों जुड़े, क्या आवश्यकता है? बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती है, सब्जी उत्पादन से जुड़ सकते हैं, फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, खुम्ब की तरफ हमारे किसान बागवानों को क्यों आना चाहिए और हिमाचल प्रदेश का जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है या निचला पर्वतीय क्षेत्र है उसमें खुम्ब लगाने का सही वक्त क्या है? मशरूम एक ऐसी फसल है जिसके लिए कोई आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको फर्टाइल लैंड की आवश्यकता पड़ती है, तो मशरूम के लिए हम लोगों को इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये इंडोर क्रॉप है और इसको कहीं भी आप शेड में आप उगा सकते हैं या अगर आपके पास मशरूम हाउस कहीं बना सकते हैं, अगर पैसा ज़्यादा हो तो आप मशरूम हाउस भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप देख रहे होंगे पीछे की हमारा एक बैम्बो हट बना हुआ है जो बांस की लकड़ियों से आप बना सकते हैं, तो उसमें भी मशरूम जो पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसमें जो
इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं लोग हमारे प्रदेश में, उसका भी काफ़ी हद तक जो है वो समस्या जो सॉल्व हो सकती है। रही बात की मशरूम मध्य वर्गीय जो आपके या जो लो हिल जोन हिमाचल प्रदेश का है उसमें मशरूम कब लगाएं, तो इन क्षेत्रों में जो आप बटन मशरूम का जो उत्पादन है वो सितंबर 15 के बाद जो है वो किया जा सकता है, और सितंबर के बाद आप मार्च तक जो है दो फसलें जो है वो बटन मशरूम की जो है वो ली जा सकती हैं। हमारे किसान बागवानों को अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसके लिए यदि मशरूम उत्पादन से आप लोग जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय बन सकता है। कार्यक्रम को जो किसान बागवान देख रहे हैं यदि वो मशरूम उत्पादन से जुड़ना चाहे, प्रशिक्षण का मशरूम उत्पादन में कितना महत्व है, किस तरह से नए बागवान मशरूम उत्पादन से जुड़ सकते हैं? प्रशिक्षण का बहुत महत्व है मशरूम के क्षेत्र में। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप फसल नहीं उगा सकते हैं, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, वो प्रशिक्षण जो है वो जो हमारा डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। उस पे कुछ निचले क्षेत्रों के लिए जैसे पालमपुर में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे खाद बनाई जाती है, तो उस ट्रेनिंग का ये फ़ायदा रहता है आपको कि आप वहाँ से सब्सिडाइज रेट पर जो आपको खाद दी जाती है, और इसमें सारे लोग कर सकते हैं जैसे अनएजुकेटेड हैं या एजुकेटेड हैं, शिक्षा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है इसमें। अगर ट्रेनिंग लेते हैं आप तो आप सारा काम सीख सकते हैं। सेकंडली, जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आजकल कॉन्ट्रैक्ट की नीति से जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ जो है या पढ़ा लिखा अगर इससे जुड़ना चाहता है तो वो काफ़ी पैसा कमा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दे। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनका फर्स्ट टाइम जैसे आप मशरूम लगाते हैं तो उसका पता होना चाहिए। उसमें नंबर वन आता है कि आप खाद कहाँ से लेंगे और खाद बनाते कैसे हैं, तो हल्का फुल्का आपको जानकारी होनी चाहिए खाद कितने तरीक़ों से बनती है। बटन स्वेद बटन मशरूम एक ऐसी खुम्ब है जिसके लिए स्पेसिफिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। उस खाद को हम दो तरीक़ों से बनाते हैं, एक लंबी विधि होती है एक अल्पा विधि होती है। तो लंबी विधि में अगर किसान चाहे तो वो खुद भी बना सकता है, उसमें एक एक पूरा एक महीने का टाइम लग जाता है उस खाद को बनाने के लिए। उसके अलग अलग फार्मूलेज हैं, रासायनिक सूत्र हैं जिस जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और अलग अलग दिन पे जो है वो पलटाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, तो आप अपने घर में भी लंबी विधि जो प्रणाली है हमारी खाद बनाने की उससे आप खाद बना सकते हैं। सेकेंडली, जैसे आप ट्रेनिंग लेते हैं तो डिपार्टमेंट जो है आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है आपको फर्स्ट टाइम जो है वो सब्सिडी पे खाद प्रोवाइड करवाएगा। उसमें जो है सब कुछ आपको देंगे, वो खाद भी होगी और उसमें बीज भी डाला रहेगा, और तीसरा जो स्टेप आता है इसमें केसिंग मिट्टी भी रहेगी। तो इस प्रकार से जो है वो आप जो है वो ट्रेनिंग लेके जो है काफ़ी लाभ ले सकते हैं, और इससे अगर आप कमर्शियल भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल भी इसको एक किस्म से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान बागवान अब आपसे जानना चाहते हैं यदि वर्ष भर कोई मशरूम उत्पादन से जुड़ना चाहे, व्यावसायिक तौर पर मशरूम उत्पादन करना चाहे, तो वर्ष भर क्या मशरूम उगाई जा सकती है? आपके पीछे ये छोटा सा घर हम देख रहे हैं, और कॉलेज के बच्चे आज तक तो किसान बागवानों ने इनको पढ़ते हुए कॉलेज में देखा है, लेकिन आप इन बच्चों से काम भी करवा रहे हैं। ये सारी ये कमरा क्या है, ये बच्चे आपका कैसे सहयोग करते हैं, और मशरूम वर्ष भर कैसे उगाई जा सकती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि जो जहाँ तक आपने बच्चों की बात की तो ये हमारे बीएससी लास्ट ईयर के बच्चे हैं। इनके लिए क्या कंडीशन है कि एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम है, तो एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मशरूम के हैं, तो ये एक साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और इनको हम पूरा सिखा रहे हैं कि कौन कौन सी जो है, अगर वर्ष भर भी अगर आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो कौन सी मशरूम्स किस समय पर कहाँ लगाई जा सकती है। खासकर जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं, जो हमारा लो हिल जोन है, इसमें कौन सी मशरूम जो है किस महीने में कौन सी क्रॉप ले सकते हैं हम, तो ये बच्चे इनको सारे ग्रोइंग पैरामीटर्स पता हैं। जैसे आपको पता है कि मशरूम जो है, ये जो आप हट की बात कर रहे हैं, जो हमने बैम्बो हट बना रखी है यहाँ पे, हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये लो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे कई किसान ऐसे होते हैं कि इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं या व्यावसायिक तौर पर करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से जो है एक छोटा सा हट बना के
आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा उस पैसे को आप रिवॉल्विंग फंड की तरह आप यूज़ करते रहो। उसके बाद आप इसमें एक पक्का जो मशरूम हाउस होता है वैसा आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सारा ये बैम्बो का किया हुआ, सारा बैम्बो के ऊपर हमने सरकंडा जो घास है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हमने ऊपर से डाल रखा है इसके ऊपर, ताकि इसके जो तापमान और नमी जो है वो बरकरार रहे। तो यहाँ हमने ये शुरू किया था सितंबर के महीने से लेके आज देखिए मार्च तक हम इसकी फसल ले रहे हैं। और साथ में क्या है कि जैसे आप, मैंने बताया आपको कि जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ हम सितंबर 15 से लेके मार्च एंड तक आप जो है वो बटन, श्वेत बटन खुम का जो उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप साल भर के लिए मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो ये सेकेंड वैरायटी हमारे पास आती है जिसका नाम है डिंगरी, जिसको लोकली हम डिंगरी बोल देते हैं, अदरवाइज ऑयस्टर मशरूम के नाम से फेमस है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम यहाँ पे थोड़ा हमारा अनुसंधान का काम भी रहता है, तो हमने इस पे जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं जिसे ना गाय या पशु कोई नहीं खाता है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास हैं ग्वावा लीव्स, जो आपके पत्ते झड़ जाते हैं उसको हमने सबस्ट्रेट तैयार किया हो। इसको सबस्ट्रेट तैयार करने की, इस मशरूम को उगाने का जो है बहुत सिंपल तरीका है। और इसमें क्या करते हैं कि इसको खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने आपको श्वेत बटन खुम का बताया था कि इसको स्पेसिफिक खाद चाहिए। इस केस में ऑयस्टर मशरूम में जो है वो आपको सबस्ट्रेट तैयार करना पड़ता है, तो कोई भी ब्रॉड लीव्स हो, जैसे आपके घास फूस हो, प्रोवाइड कि वो सूखा होना चाहिए। उसको फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम ट्रीट करते हैं, इसको गीला करने के बाद हम फॉर्मलिन, एक केमिकल होता है, और इंसेक्टिसाइड और वेबस्टिन का घोल बना के इसको ट्रीट कर देते हैं और 24 घंटे के बाद इसको खोलेंगे। उसके बाद हम इसमें बिजाई कर देंगे। बिजाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं है, जो बीज हम डालते हैं आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी फ्रूट बॉडीज आ रही, ये ऑयस्टर मशरूम की ऐसे जो है। आप साल भर अगर आप करना चाहें तो ये चलेगी आपकी जून जुलाई तक। उसके बाद भी अगर कोई किसान अगर करना चाहता है मशरूम का धंधा, तो जुलाई अगस्त में काफ़ी बारिशें होती हैं तो बीमारियों का काफ़ी खतरा रहता है, उस टाइम 2 महीने के लिए हम स्टॉप करवा देते हैं। उसके बाद जो है फिर आप अगस्त ऑनवर्ड जो है वो आप श्वेत बटन खुम की जो खेती कर सकते हैं। डॉक्टर जरियाल, किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं, मशरूम उत्पादन से यदि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जुड़े तो उनकी आर्थिकी कितनी सुदृढ़ बनेगी, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि मशरूम घर घर पहुँचे, इस क्षेत्र के लोगों के हर घर में मशरूम उगे, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि मशरूम का जो व्यवसाय है उसमें अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30,000 जो हैं 2 महीने के अंदर जो है वो हार्वेस्ट करेंगे। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि आप कैसे जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक आपने पूछा कि प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, विश्वविद्यालय क्या करते हैं, तो जैसे हमारे डीन साहब की हमारे को डायरेक्शंस है कि हम यहाँ पे, हमने गांव में नेरी गांव है, यहाँ कॉलेज के साथ ही हमारा जो सराउंडिंग में पड़ता है वहाँ पे हम लोगों से, आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे लोगों से कैसे जो ऑयस्टर मशरूम जो हैं घरों में लगवा रखे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और लोग इसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, जैसे बीज का किसी भी क्रॉप में जो बहुत महत्व रहता है, इसी तरह से मशरूम के बीज का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपने कामयाब मशरूम उत्पादन करना है तो बीज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कैसे बनाते हैं बीज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुम, किसी भी प्रकार का खुम का बीज अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको जो बेसल मीडिया है वो हमें गेहूं चाहिए होती है। गेहूं को हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको हम फिर मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में क्या करते हैं कि हम दो प्रकार के केमिकल होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट जो है, उनको 1:3 रेशियो पे मिक्स करके फिर आप ये देख रहे होंगे जैसे हमारे पास ये बैग्स हैं उसमें फिलिंग करते हैं, जितनी आपको बीज की मात्रा चाहिए उतना आप बीज जो है वो तराजू की सहायता से तोड़ के इसमें डाल देते हैं। इन बैग्स को हम पीपी बैग्स बोलते हैं। ऊपर इसके रिंग लगाई जाती है और ऊपर से हम इसकी प्लगिंग कर देते हैं। प्लगिंग हमेशा हम नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन से करते हैं। उसके बाद इन बैग्स को हम ऑटोक्लेव में डालने के बाद फिर आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास मशीन है, इसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर। इसमें जो है फिर हम इसमें इनोकुलेशन करते हैं। इनोकुलेशन हमारे पास प्योर कल्चर होना चाहिए, ये प्योर कल्चर है। इससे हम फिर मास्टर कल्चर बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गेहूं पे हमने मास्टर कल्चर तैयार किया है। मास्टर कल्चर तैयार करने के बाद जो है फिर हम इन बैग्स में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ये बैग्स जो हैं
जैसे आपको ये दिख रही है परत बिल्कुल वाइट कलर की, ऐसा जो है वो 10-12 दिन के अंदर जो है बीज जो है वो फैल जाएगा। इसको फिर हम इनक्यूबेशन रूम में रख देते हैं, जहाँ पे हम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार के कुंभ का जो है बीज जो है वो आप लगा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके लिए इसको स्पान लेबोरेटरी का होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर जंडैक, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। किसान एवं बागवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, मशरूम के बहुत सारे औषधीय गुण तो हैं, लेकिन यदि व्यावसायिक तौर पर प्रदेश के किसान एवं बागवान इसको उगाना चाहे तो कितनी संभावनाएं हैं? हमारे पास दो औषधीय खुम्भ है, लेंटिनुला एडोर्स जिसे शिटाके भी कहते हैं, और एक है गैनोडर्मा लूसिडम जिसे ऋषि नाम से जाना जाता है। इसे सोलन में DMR में उगाया जा रहा है, तो हम निचले क्षेत्रों में भी इसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसे तूड़ी पे और एक बुरादे पे, लकड़ी के बुरादे पे उगा रहे हैं इसको निचले क्षेत्रों में। अभी हम इसे यहाँ रिसर्च के तौर पे लगा रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाता है तो हम इसे आगे उगाने के लिए भी कोशिश करेंगे। और ये एंटी कैंसरस खुम्भ है दोनों ही, लेंटिनुला एडोर्स औषधीय होने के साथ साथ इसे खाने के प्रयोग में भी लाया जाता है, और गैनोडर्मा लूसिडम ये सिर्फ औषधीय ही गुण है, इसे खाया नहीं जाता है। और ये बटन मशरूम के कंपैरिजन में ये काफ़ी महंगी बिकती है लेंटिनुला एडोर्स। तो हम इसे उगाने की तकनीक को अभी कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च पे चला है कि अगर ये उग जाते हैं तो हम इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे इसकी टेक्नोलॉजी, और किसान भाइयों को आगे बता देंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन से हमारे किसान एवं बागवान साथी कैसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर YS परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी जिला हमीरपुर के वैज्ञानिक ने, डॉक्टर जरियाल ने बताने का प्रयास किया कि यदि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान मशरूम उत्पादन से जुड़ते हैं, कम जमीन में कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी महाविद्यालय के वैज्ञानिक ने ये भी बताया कि कितने औषधीय गुण हैं। डॉक्टर जंडैक ने इसके औषधीय गुणों को बताते हुए ये समझाया कि कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर भी मशरूम से निदान पाया जा सकता है। आप लोग भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। और यदि आप मशरूम उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं, इसमें प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। बिना प्रशिक्षण के मशरूम उत्पादन से न जुड़े, आप मशरूम उत्पादन करें, समृद्ध बने, इसी आशा के साथ अनुमति दें। नमस्कार। स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन मामा देखो बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाया है, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम।
प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक।